भगवान के सभी नामों का एक सा महत्व है। शब्द कभी कभी संत और भगवान के बीच में विनोद हो जाता है। थोड़ी देर बाद तुलसी जी वाला पलड़ा भारी दिखने लगा। श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया। दोस्तों, मैं गिरिराज सिंह दशा दिशा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन मिलते रहें। संवत 1616 में जब श्री तुलसीदास जी कामतगिरी पर्वत के पास निवास कर रहे थे, तब श्री गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से श्री सूरदास उनके पास आए। उन्होंने अपना सूर सागर ग्रंथ दिखाया और दो पद गाकर सुनाए। तुलसीदास जी ने उनकी पुस्तक उठाकर हृदय से लगा ली और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा गाई। सूरदास जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास जी अनन्य श्री राम भक्त। दोनों अपने अपने प्रभु के गुणगान खूब करते थे। दोनों एक से बढ़कर एक पद सुना रहे थे अपने प्रभु के। भगवान के सभी नामों का एक सा महात्म है, परंतु कभी कभी संत और भगवान के बीच में विनोद हो जाता है। दोनों संत अपने अपने प्रभु के नाम का महात्म बताने लगे। निश्चय करने के लिए एक तराजू लाया गया। तुलसीदास जी अपने प्रभु राम का स्मरण किया और विराजने के लिए विनती की, और सूरदास जी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण किया और दूसरे पलटे पर विराजमान होने को कहा। दोनों के इष्ट गुप्त रूप से उस तराजू के दोनों पलड़ों पर विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद तुलसी जी वाला पलड़ा भारी दिखने लगा। अब श्री सूरदास को बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगे कि बेकार में मैं श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ गया। इन्होंने तो हमारी नाक ही कटवा दी, अब तो हम इनका भजन कभी नहीं करेंगे। सूरदास जी ने पद गाना छोड़ दिया तो श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया। प्रभु श्रीनाथ जी सूरदास के सामने आए और उन्हें मनाने लगे। सूरदास जी ने कहा, आपके नाम का तो पलड़ा तो हल्का ही पड़ गया और मेरी नाक कट गई। श्रीनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बाबा आप जपते हो कृष्ण कृष्ण और पढ़ने पर आपने आह्वान किया मेरे अकेले श्री कृष्ण का। तुलसीदास जी जपते हैं सीताराम और उन्होंने पलड़े पर आह्वान किया युगल जोड़ी सीताराम जी का। अब अकेले श्री कृष्ण का वजन एक और सीताराम जी दोनों का वजन एक और। किशोरी जी जहाँ हो वहाँ का पलड़ा तो भारी होगा ही, मेरे अकेले का वजन तो युगल जोड़ी से कम ही होगा ना। भगवान के सभी नामों का महात्म एक समान ही है। सूरदास जी समझ गए कि यह तो केवल हास्य लीला है। दोनों संत गले मिले। सूरदास जी का हाथ पकड़कर गोस्वामी जी ने उन्हें संतुष्ट किया और श्री गोकुलनाथ जी को एक पत्र लिख दिया। 7 दिन सत्संग करके सूरदास जी अपने नाम वापस लौट गए। जय श्री राधे कृष्ण की, जय श्री सीताराम जी की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखिए और बताएं। आप लोग हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वास्थ्य।